डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बड़े क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं या इनमें से छोटे क्वेश्चंस 3.5 नंबर के या 1 नंबर के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस, यह नाम जो है फार्मर और मूरे ने दिया था। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में यानी एप्लॉइड जो डॉटर सेल्स बनेगी में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को मियोसिस कहते हैं। तो मियोसिस एक स्पेसिफिक टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें कि क्रोमोजोम नंबर जो है वो पेरेंटल सेल की तुलना में हाफ हो जाते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है। जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें युग्मक जनन के दौरान या गैमेटोजेनेसिस के दौरान जननों की जो कोशिकाएं हैं, गोनेड्स जो सेल्स है जिनको जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स या स्पर्म मदर और स्पर्म एग सेल कहेंगे, तो उनमें मियोसिस की क्रिया होती है और उसके दौरान जो हैप्लोइड ओवम या स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन होता है। तो सारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके जीवन चक्र में मियोसिस जो है उसके द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है और फर्टिलाइजेशन के द्वारा जब जाइगोट या युग्मनज बनता है तो वापस डिप्लॉइड स्टेज प्राप्त कर ली जाती है। गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस होता है जिसके फलस्वरूप एप्लॉइड गैमेट उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के 2 अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं जिन्हें मियोसिस फर्स्ट व मियोसिस सेकंड कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ 1 चक्र में पूर्ण होता है। तो पहला है मियोसिस फर्स्ट। इसे हेटरोटाइपिक या रिडक्शन डिवीजन यानी न्यूनकारी विभाजन या अनइक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। जैसा कि नाम से पता है यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन यानी न्यूनकारी विभाजन। तो इस मियोसिस फर्स्ट में केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो बनने वाली संतति कोशिकाओं में आधी हो जाती है। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोजोम्स का नंबर जो है हाफ रह जाता है। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोजोम का विभाजन नहीं होता है, केवल होमोलोगस क्रोमोजोम्स का सेपरेशन होता है। एस फेज में पेरेंटल क्रोमोजोम है उनका रेप्लिकेशन के द्वारा समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद में मियोसिस फर्स्ट अवस्था प्रारंभ होती है। मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोजोम्स या समजात गुणसूत्रों का युग्मन यानी पेयरिंग होती है या सिनेप्स बनाते हैं और उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन होता है। मियोसिस सेकंड, इसे होमोटाइपिक या इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं और मियोसिस सेकंड में क्रोमोजोम्स की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी पहले से जो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो चुकी थी अब उनकी संख्या में और कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें प्रत्येक क्रोमोजोम या सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। मियोसिस सेकंड के अंत में 4 हैप्लोइड सेल्स बनती है। ये 4 डॉटर सेल्स जेनेटिकली आपस में और मात्र कोशिका से या पेरेंट सेल से भी भिन्न होती है। तो आपस में भी भिन्न होती है और पेरेंट सेल से भी भिन्न होती है। जैसे कि मेल में देखें, मनुष्य में, तो आधे गुणसूत्र रहने पर 22+X
और 22 प्लस वाई। तो इस प्रकार से ये जेनेटिकली भी आपस में समान नहीं है। मियोसिस में केंद्रक का विभाजन दो बार होता है, परंतु क्रोमोजोम का डिवीजन केवल मियोसिस सेकंड की एनाफेज में ही होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट, और मियोसिस सेकंड में वही प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। इंटरफेज समसूत्री विभाजन की अंतरावस्था के समान होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट की अवस्थाओं के बारे में। इसमें प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट अवस्था जो है मियोसिस फर्स्ट की, यह सबसे लंबी और सबसे जटिल अवस्था होती है। इसे पांच उप प्रावस्थाओं में या उप अवस्थाओं में बांटा गया है, जैसा कि नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो ये पांच सब स्टेजेज जो है प्रोफेज फर्स्ट में पाई जाती है। अब प्रत्येक में क्या होता है, तो यह भी डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे लेप्टोटीन में न्यूक्लियर एनवलप उपस्थित है और यहाँ पर डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम्स उपस्थित है। जाइगोटीन में बाईवेलेंट के रूप में क्रोमोजोम्स उपस्थित है, यानी कि ये मिलकर के क्या बनाते हैं, सिनेप्स बनाते हैं, सिनेप्सिस। पैकेटीन अवस्था में या पैकेटीन अवस्था में इन के बीच में होमोलोगस क्रोमोजोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय होता है। डिप्लोटीन अवस्था में यहाँ पर काइज़मा विजिबल होता है, यानी कि ये जो क्रोमोजोम्स है इनमें रिपल्सन शुरू होता है, जिससे कि ये होमोलोगस क्रोमोजोम्स वापस अलग होने लगते हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर अभी भी ये जुड़े हुए रहते हैं और उन स्थानों को काइज़मेटा कहते हैं। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसअपीयरिंग एंड काइज़मेटा विजिबल। एक तो आपके परीक्षा में 3.5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में कल मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। और डाइकाइनेसिस अवस्था में न्यूक्लियर एनवलप फ्रैगमेंटिंग, यानी कि केंद्रकीय झिल्ली जो है वो टूट जाती हैं और बाईवेलेंट रेडी फॉर मेटाफेज, यानी कि जो यह बाईवेलेंट है यह मध्य पट्टिका पर विन्यासित हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है लेप्टोटीन, क्रोमेटिन के संघनन से, इनके कंडेंसेशन से क्रोमोजोम बनते हैं। क्रोमोजोम सर्वाधिक लंबे और पतले होते हैं। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप से देखें तो गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। केंद्रक में उपस्थित सभी क्रोमोजोम्स सेंट्रियोल की तरफ मुड़े हुए होते हैं और यह अवस्था बुफे अवस्था या गुलदस्ता अवस्था कहलाती है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे सेंट्रियोल की तरफ मुड़े हुए होते हैं क्रोमोजोम्स, इस कारण से यह गुलदस्ते के समान दिखाई देते हैं। सेकंड है जाइगोटीन या सिनेप्टोनीम सब स्टेज। इसमें होमोलोगस क्रोमोजोम्स या समजात गुणसूत्र पेयरिंग करते हैं या जोड़े बनाते हैं। सिनेप्सिस व समजात गुणसूत्रों के जोड़े, सिनेप्सिस और इसके होमोलोगस क्रोमोजोम्स के पेयर जो हैं वो बाईवेलेंट या टेट्राड कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रोमेटिड्स उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको टेट्राड्स कहते हैं। यद्यपि ये अगली अवस्था पैकाइटीन में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम्स के बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। नेक्स्ट है पैकाइटीन या स्थूलपट अवस्था।
आकर्षण बढ़ने से होमोलोगस क्रोमोजोम्स एक दूसरे पर सख्ती से लिपट जाते हैं। प्रत्येक क्रोमोजोम के दोनों क्रोमेटिड स्पष्ट हो जाते हैं तथा ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। तो क्रोमोजोम के क्रोमेटिड्स स्पष्ट हो जाते हैं और इनको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्र या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनती हैं या पुनर्योजन ग्रंथिकाएं बनती हैं एवं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने भागों का आदान प्रदान करते हैं और यह आदान प्रदान जो है जीन विनिमय कहलाता है। होता तो होमोलोगस क्रोमोजोम्स के बीच में है लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में यह एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम प्रेरित प्रक्रिया है, एंजाइम इंड्यूस्ड प्रोसेस है तथा काम में आने वाला एंजाइम रिकॉम्बिनेस एंडोन्यूक्लियस प्लस लाइगेस इससे बना हुआ होता है जिसको रिकॉम्बिनेस कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटीन या द्विपट अवस्था। डिप्लोटीन की शुरुआत सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के घुलने से होती है। अब होमोलोगस क्रोमोजोम्स एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करते हैं या प्रतिकर्षित करने लगते हैं जिसके फलस्वरूप एक्स आकृति की संरचनाएँ अर्थात काइजमेटा दिखाई देने लगते हैं। कुछ कॉर्डेट्स में या वर्टिब्रेट्स के ऊ साइड्स में डिप्लोटीन अत्यधिक सस्पेंडेड स्टेज में यानी कि कुछ मंथ से लेकर के ईयर्स तक हो सकती है। लास्ट है इसमें डाइकाइनेसिस। मियोसिस फर्स्ट की अंतिम अवस्था पारगतिक्रम कहलाती है या डाइकाइनेसिस कहलाती है। काइजमेटा का उपांति भवन यानी टर्मिनलाइजेशन हो जाता है और काइजमेटा जिप की भांति जैसे चैन का जिप खुलता है जिप पर उसकी भांति खुल जाते हैं जिससे काइजमेटा का अंत होने लगता है। गुणसूत्र पूर्णतया संघनित हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स एकत्रित होकर के होमोलोगस क्रोमोजोम्स को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं और तारक केंद्र या सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं और डाइकाइनेसिस के अंत में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस ये डिसअपियर हो जाते हैं। डाइकाइनेसिस मेटाफेज की ओर पारगमन यानी ट्रांजिशन टू मेटाफेज को निरूपित करता है। सेकंड स्टेज है मेटाफेज। बाइवेलेंट क्रोमोजोम मध्य रेखा पर व्यवस्थित या इनमें कॉन्ग्रेशन हो जाता है और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। स्पिंडल के विपरीत ध्रुवों से माइक्रोट्यूबुल्स निकलती हैं जो कि होमोलोगस क्रोमोजोम्स के जोड़ों से जुड़ जाती है। दो प्रकार के स्पिंडल फाइबर कोशिका में व्यवस्थित हो जाते हैं। फर्स्ट है गुणसूत्रीय या काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स और सेकंड है सपोर्टिंग और कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर्स। तो दो प्रकार के स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो कि कोशिका में व्यवस्थित हो जाते हैं। नेक्स्ट है एनाफेज फर्स्ट। क्रोमोजोमल फाइबर्स की लंबाई कम होती है, फलस्वरूप होमोलोगस क्रोमोजोम एक दूसरे से सेपरेट होकर के अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं परंतु होमोलोगस क्रोमोजोम्स सेपरेट हो जाते हैं लेकिन संतति अर्धगुणसूत्र यानी क्रोमेटिड्स जो है गुणसूत्र बिंदु से या सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं अर्थात गुणसूत्र दो क्रोमेटिड अवस्था में बने रहते हैं। होमोलोगस क्रोमोजोम्स का ध्रुवों पर जाना यानी सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन कहलाता है। यहाँ पर सेंट्रोसोम का विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट है टीलोफेज फर्स्ट। इस अवस्था में न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोलस पुनः स्पष्ट होने लगते हैं, रीअपीयर होने लगते हैं। यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्र का छित्राव हो जाता है परंतु ये
इंटरफेज न्यूक्लियस की तरह पूर्णतया फैली अवस्था में नहीं मिलते हैं। टेलोफेज फर्स्ट के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, जिससे एक डिप्लोइड सेल दो हैप्लोइड सेल्स में बढ़ जाती है। इसे डायाड ऑफ सेल्स कहते हैं या कोशिका दिख कहते हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। प्रोफेज फर्स्ट है तो यह होमोलोगस क्रोमोजोम्स नज़दीक आने शुरू हुए। मेटाफेज फर्स्ट में इनके बीच में सिनेप्सिस बना। एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोजोम अलग हुए, विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगे, और टेलोफेज फर्स्ट में इनके बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वापस बन जाते हैं। इंटरकाइनेसिस या अंतरालावस्था, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में अंतराल इंटरकाइनेसिस कहलाता है। इस अंतराल में मियोसिस सेकंड की तैयारी होती है। यह तैयारी माइटोसिस की इंटरफेज के समान होती है, किंतु इनमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस सामान्यतया कम समय के लिए होती है, और इंटरकाइनेसिस के बाद में प्रोफेज सेकंड आती है, जो प्रोफेज फर्स्ट से काफ़ी सरल होती है। मियोसिस सेकंड की अवस्थाएं, प्रोफेज फर्स्ट, इसमें अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस सेकंड गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने के पहले और साइटोप्लाज्म डिवीजन के तत्काल बाद में प्रारंभ होता है, और मियोटिक डिवीजन फर्स्ट के विपरीत मियोसिस सेकंड सामान्य सूत्री विभाजन के समान होता है, यानी माइटोसिस के समान होता है। प्रोफेज सेकंड के अंत तक न्यूक्लियर में एनवलप अदृश्य हो जाता है, डिसएपियर हो जाता है, और क्रोमोजोम्स पुनः संघनित हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। मेटाफेज सेकंड, इस अवस्था में क्रोमोजोम्स मेटाफेज प्लेट पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, और विपरीत ध्रुवों की तर्कु तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं, यानी अपोजिट पोल्स पर पाए जाने वाले स्पिंडल फाइबर्स की माइक्रोट्यूबुल्स संतति अर्धसूत्र यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स के काइनेटोकोर से चिपक जाती हैं। एनाफेज सेकंड, यहाँ पर काइनेटोकोर अलग हो जाते हैं, और इनसे जुड़े अर्धगुणसूत्र कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। टेलोफेज सेकंड, यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है, जिसमें गुणसूत्रों के दो समूह पुनः केंद्रक आवरण के द्वारा घिर जाते हैं, और कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत चार अगुणित संतति कोशिकाओं का या टेट्राड ऑफ सेल्स बन जाती है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। प्रोफेज सेकंड, यहाँ पर जो गुणसूत्र है उपस्थित है, तो ये गुणसूत्र जो है मेटाफेज प्लेट पर आ गए हैं। प्रोफेज सेकंड में ये संघनित है, कुंडलित है, मेटाफेज सेकंड में ये प्लेट पर आ गए हैं, और एनाफेज सेकंड में ये विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं, और टेलोफेज सेकंड में जाते जाते चार अगुणित कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसके द्वारा जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जेनेटिक वेरिएशंस बढ़ती जाती है, और इवोल्यूशन के लिए विभिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा मियोसिस के बारे में, तो माइटोसिस और मियोसिस के बीच में क्या डिफरेंसेज है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले ये कुछ यहाँ पे चेक पॉइंट्स ऑफ सेल साइकिल दिया गया है। तो साइक्लिन प्रोटीन्स जो होते हैं, जिनको सीडी केस जो है वो सेल साइकिल को गतिशील बनाए रखते हैं, जो एंजाइम सेल साइकिल का नियंत्रण करते हैं, उन्हें साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज कहते हैं या सीडी केस कहते हैं।
काइनेज एंजाइम एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप को हटा करके इसे अन्य प्रोटीन पर जोड़ते हैं और कोशिका चक्र के नियंत्रण में कार्य करने वाले एंजाइम काइनेज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज कहलाते हैं, क्योंकि ये तभी सक्रिय होते हैं जब इनसे विशेष प्रोटीन साइक्लिन जुड़े। G1 to S1 and G2 to M काइनेज एंजाइम जब साइक्लिन से जुड़ता है तो कोशिका चक्र अग्रगामी वर्धी कर गति करता है। यहाँ पर G2M यानी पार गमन दिखाया गया है और इसमें यह प्रक्रिया कोशिका के आकार से डीएनए के क्षतिग्रस्त होने से डीएनए प्रतिकरण से यानी रिप्लिकेशन से शुरू होती है और मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन जो है यह स्पिंडल के गुणसूत्रों के जुड़ने से गुणसूत्रों के तर्कु तंतुओं के जुड़ने के बाद में यानी एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर एपीसी सक्रिय हो जाता है और यह एपीसी सम्मिलित होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स के अलग होने में या गुणसूत्र बिंदु के विभाजन में और गुणसूत्र के विसंघनन में और केंद्रक झिल्ली के पुनर्निर्माण में। G1 टू S ट्रांजिशन यह वर्धी कारकों से पोषकों से और कोशिका आकार से और डीएनए क्षतिग्रस्त होने से यह जो है सक्रिय होता है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो सामान्य अंतर क्या है, माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होता है, मियोटिक जर्म सेल्स में होता है या जनन कोशिकाओं में होता है। माइटोसिस डिप्लॉइड और एप्लॉइड दोनों प्रकार की सेल्स में प्रदर्शित होता है जबकि मियोसिस केवल डिप्लॉइड सेल्स में पाया जाता है। यह माइटोसिस केवल एक बार ही विभाजन होता है जबकि मियोसिस में विभाजन दो बार होते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। माइटोसिस दो कोशिका इससे दो डॉटर सेल्स बनती हैं जबकि मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनती है। माइटोसिस में वेरिएशंस नहीं आती हैं, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर के कारण अर्धसूत्रण विभिन्नताएँ उत्पन्न करता है। यहाँ पर डॉटर सेल्स में क्रोमोजोम नंबर्स पेरेंट्स की सेल के समान रहते हैं जबकि मियोसिस में इनकी संख्या आधी हो जाती है। माइटोसिस ग्रोथ रिपेयर और वाउंड हीलिंग हेतु आवश्यक है जबकि मियोसिस केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेतु आवश्यक है। प्रोफेज अवस्था में माइटोसिस की प्रोफेज सरल होती है और इसमें गुलदस्ता अवस्था और सिनेप्सिस अनुपस्थित होते हैं, क्रॉसिंग ओवर और काइजमेटा भी नहीं दिखते हैं जबकि मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट जटिल होती है, इसमें गुलदस्ता अवस्था और सिनेप्सिस पाया जाता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर और कियाजमेटा फॉर्मेशन होता है। मेटाफेज में माइटोसिस में सेंट्रोमियर मेटाफेज या मध्य प्लेट पर स्थित जबकि भुजाएँ ध्रुवों की तरफ होती है और यहाँ पर मेटाफेज में सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर होते हैं। एनाफेज में एनाफेज के दौरान सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। माइटोसिस में गुणसूत्र में एक क्रोमेटिड दिखाई देगी, गुणसूत्र की दोनों क्रोमेटिड अलग होकर के डॉटर क्रोमेटिड्स या डॉटर क्रोमोजोम्स कहलाएगी और अपोजिट पोल्स की ओर गति करने वाले गुणसूत्र समान होते हैं जबकि मियोसिस में एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोजोम्स में दो क्रोमेटिड्स रहती हैं और एनाफेज फर्स्ट में क्रोमेटिड्स सेपरेट नहीं होती हैं और ये गुणसूत्र असमान होते हैं। टीलोफेज में माइटोसिस में यह अनिवार्य है जिसमें केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली वापस प्रकट हो जाती हैं जबकि मियोसिस के टीलोफेज फर्स्ट में अनुपस्थित हो सकती है। साइटोकाइनेसिस यहाँ पर माइटोसिस में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, डॉटर सेल्स में समान आनुवंशिक संगठन रहता है और जबकि मियोसिस में अनिवार्य नहीं और सभी डॉटर सेल्स जो हैं वो समान प्रकार की रहती है। माइटोसिस में समसूत्री विभाजन से पहले इंटरफेज आती है जबकि मियोसिस सेकंड में
इंटरफेज आ भी सकती है और नहीं भी आती है, तो इसे इंटर नहीं भी यदि आती है तो इसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इसमें एस फेज उपस्थित होती है, मियोसिस सेकंड में एस फेज अनुपस्थित होती है। समसूत्रण से बनी संतति कोशिकाएं मातृ कोशिकाओं के समान होती हैं और इसमें पुत्री कोशिकाएं जो हैं या डॉटर सेल्स परिमाणात्मक और गुणात्मक रूप से मातृ कोशिका से भिन्न होती है, यानी संख्या में भी भिन्न होती हैं और उनमें गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर भी वो अपने पेरेंट्स से अलग प्रकार की होती हैं। थैंक यू।